सो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपवर्क। अपवर्क में कैसे रजिस्टर करना है, अपवर्क बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अपवर्क एक फ्रीलांसर साइट है जिसमें आप अपने स्किल्स के बेस पे पार्ट टाइम वर्क ढूंढ सकते हो एंड कहीं भी अपने आप की स्किल्स के बेस पे जो भी वर्क है आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ढूंढ के कर सकते हो। तो सबसे पहले अपवर्क कैसे, अगर आपने अभी तक कोई अकाउंट नहीं बनाया तो मैं आपको आज सबसे पहले बताऊंगा कि कैसे अकाउंट बनाना है। एंड उसके बाद आप जब भी आप काम ढूंढोगे, कैसे अपना प्रोजेक्ट लेना है, कैसे वर्क करना है। तो सबसे पहले आज के इस पार्ट वन वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि अपवर्क पे कैसे साइन अप करना है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या फिर आप upwork.com के थ्रू वेबसाइट सर्च कर सकते हो एंड देन साइन अप कर सकते हो। अगर आपने कहीं लॉगिन कभी साइन अप किया है तो लॉगिन कर सकते हो। फिलहाल मैं बताऊंगा कैसे साइन अप करना है, कैसे अपना अकाउंट बनाना है एंड कैसे अपने स्किल्स बेस पे आपको अपना काम ढूंढना है। तो ज्वाइन एज द क्लाइंट और फ्रीलांसर, ठीक है। आई एम क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। अगर आप कोई ऐसे फ्रीलांसर ढूंढ रहे हो जो अपने प्रोजेक्ट करवाना चाहते हो तो इस पे अकाउंट क्रिएट करना है। नहीं तो अगर आप मेरी तरह आई एम फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क तो आपको इस पे क्लिक करना है एंड अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे। एंड आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, जहाँ से भी आप करना चाहे वहाँ आप कर सकते हो। कंटिन्यू विथ गूगल, गूगल के थ्रू अगर आप पर आप अकाउंट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, मैनुअली बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो फिलहाल हम गूगल की तरफ, गूगल की ओर से बना रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आपका जो भी अकाउंट जुड़ा हुआ है उसके थ्रू आप इसे बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने इसके अलावा और कभी यहाँ पे जस्ट सेकेंड, जो भी मेरा ये जीमेल अकाउंट है इसे मैं एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको, अगर आप मैनुअली बनाना चाहते हैं तो मैनुअली भी बना सकते हैं। मैं डायरेक्ट गूगल के थ्रू बना रहा हूँ तो आप भी गूगल के थ्रू बना सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से डेस्कटॉप स्क्रीन करके भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपना अकाउंट, यस आई एग्री, यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और ईमेल, यहाँ पे आप अगर जॉब लीड्स पाते हो तो ये यहाँ पे टिक करने का मतलब ये है, जो भी आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप स्किल्स के हिसाब से कोई जॉब पोर्ट होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो क्रिएट माई अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट बनने के बाद उससे बाद में आपको कैसे प्रोफाइल अपडेट करनी है एंड वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंग्रेचुलेशन, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, लेट्स गो टू स्टार्टेड, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपना यहाँ पे अकाउंट बन गया है, तो हमें आगे क्या करना है, ठीक है। तो जस्ट सेकेंड, यहाँ पे अपने उस पेज पे लेके चलेगा, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। देन आपको अपनी पूरी प्रोफाइल है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। रेडी टू नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, आंसर फ्यू क्वेश्चंस और बिल्डिंग योर प्रोफाइल एंड। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि सो यहाँ पे आपको करना है, हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पे आपको है ना अपना जो प्रोफाइल है, जैसे कि मैंने बोला था, वो आपके अपडेट करनी है। आप इम्पोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो, अपलोड योर रिज्यूम के थ्रू करते हो, फिलअप विदाउट मैन्युअली, मैन्युअली भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट लगेंगे। तो चलिए मैं आपको मैन्युअली बता देता हूँ कैसे अपनी प्रोफाइल है जो वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप कि आपका जो भी, इट इज द वेरी फर्स्ट थिंग टू क्लाइंट सी, सो मेक इट
काउंट स्टैंड आउट ऑफ डिस्क्रिप्शन योर एक्सपीरियंस इन योर ओवन वर्ड्स योर प्रोफाइल रोल, यानी जैसे कि आपका मतलब जैसे रिज्यूम पे अपना हेडलाइन लिखते हैं ना, तो वो वहाँ पे डालना है। जैसे आप एक्चुअली में करते क्या है वो, जैसे आप मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, और इसके अलावा जो भी आपकी स्किल्स है वो डाल सकते हो। ये चीज आप अपने जो भी आपकी स्किल्स है, मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वो आप डाल सकते हो। तो जो भी अपने स्किल्स है वो यहाँ पे डालेंगे, एंड नेक्स्ट ऐड योर एक्सपीरियंस यहाँ पे क्लिक करेंगे। इफ़ यू हैव रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एडिट हियर, आपका जो भी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी हेडलाइन लिखी है, जो भी आपकी स्किल बेस पे आपका अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, एंड या फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं ऐड योर एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट वन आपको डालना पड़ेगा ऐड योर एक्सपीरियंस, प्लस पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें आपका जो भी पास्ट में जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो डालेंगे, कंपनी डालेंगे, लोकेशन डालेंगे अगर आप इंडिया में किया हो तो, फॉर कहीं भी आप मुंबई इंडिया में किया हो, एंड आई एम करंटली वर्किंग कर रहे, तो इस पर टिक लगाएंगे, स्टार्ट डेट करेंगे, एंड डेट करेंगे, एंड डिस्क्रिप्शन डालेंगे उसके बारे में कि आपको थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। मैं कहता हूँ आप एक्सपीरियंस डाले, अच्छा डाले जहाँ पे आपने पार्ट टाइम किया है, फॉर रिलेवेंट डाले जो भी आपने जैसे अभी जो काम ढूंढ रहे हो उससे रिलेटेड डालोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सीन आप चीज आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। एंड फिर आता है एड योर एजुकेशन, आप एजुकेशन पे यहाँ पे ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उस पे नाम डालेंगे, डिग्री डालेंगे जो भी बैचलर डिग्री रिलेवेंट जो भी है, एंड फील्ड स्टडी एंड डेट ऑफ अटेंडेंस यहाँ पे कहाँ से कहाँ किया डिस्क्रिप्शन में थोड़ा थोड़ा सा मेंशन कर लेना, और ज़्यादा मेंशन नहीं करना है कि मतलब वो सब्जेक्ट, बट यूजली जो आपकी मेन स्टडी रही, जो मेन एजुकेशन रहा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में आपको आगे लुकिंग नेक्स्ट विथ लैंग्वेज, आपकी जो भी लैंग्वेज है वो आप डालेंगे। अब ये आल प्रोफाइल यहाँ पे इंग्लिश में आपका लेवल कैसे है यह आप पे बता सकते हैं, माई लेवल इज क्या है, बेसिक है, कन्वर्सेशन है, फ्लुएंस है, नेटिव है, यूजली आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बेसिक में अगर आप थोड़ा फ्लुएंट है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप कन्वर्सेशनल कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्सेशनल भी चलेगा। अगर आप थोड़ा सा फ्लुएंट रहेंगे तो आपका ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ऐड लैंग्वेज और कर सकते हैं, आई नो जो भी आपकी लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल हिंदी, एंड इसके अलावा और आप अदर कोई लैंग्वेज जानते हैं तो वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड ऐड योर स्किल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे योर स्किल्स आपकी क्या स्किल्स है ये बहुत बड़ा मैटर करेगा। इस स्किल में जो आपकी प्रोफाइल सजेस्ट में आएगी, फॉर सजेस्ट स्किल जैसे डिजिटल मार्केटिंग, हिंदी मार्केटिंग, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो हिंदी, वीडियो एडिटिंग जो भी आपका है ना, तो वो आप डाल सकते हो, और ट्रांसलेट, फ्रीलांसिंग, मार्केटिंग, तो जो भी आपकी स्किल्स हैं वो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप इंटर करके भी डाल सकते हो, एंड नेक्स्ट एंड राइट ओवरव्यू। ठीक है, और इसके अलावा आप और भी अपने इंटरव्यूअर टॉप स्किल एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्टेड, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग टू क्लाइंट विल सी ऑन योर प्रोफाइल। ये आपकी प्रोफाइल जैसे ये प्रोफाइल दिख रही है ना, तो आई एम डेवलपर, आई एम एक्सपीरियंस, आप जो भी है वो डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे
आई एम डिजिटल मार्केटिंग, आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस एंड लोकेशन, कितने टाइम से काम किया है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। एंड चूज योर कैटेगरीज, फॉर एग्जाम्पल इन कैटेगरी में आपको क्या डालना रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे तो इसके अलावा यहाँ पे आप डाल सकते हैं मैन आपकी सर्विस, एंड जो भी ट्रांसलेट आपकी मैन, जो भी आपने स्किल्स डाली उसमें आपकी मैन जो भी सर्विस है वो डालेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपकी रेट, मतलब कितने आप पर घंटे, कितनी जो भी मार्केट रेट के हिसाब से आपकी जो सर्विस देते हैं, अगर आप में एक्सपीरियंस है या फिर अगर, ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप कितना पे लेते हैं क्लाइंट से, ठीक है ना, तो वो आपको पर आवर के हिसाब से डाल देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल $3 पर आवर इज द परफेक्ट रेट यू कैन, एंड द क्लाइंट यहाँ पे जो क्लाइंट है वो देखेंगे आप मैक्सिमम कितने कितने हिसाब से काम, इसे उस हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक है, वो अपने अकॉर्डिंग डाल देना, आपने यूज दी अगर काम किया है तो आपका प्रोजेक्ट में प्रीवियसली कितने आपने लिए है, मार्केट के हिसाब से क्या चल रहा है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फोटो डालेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, इंडिया जो भी आपकी हिस्ट्री, यहाँ पे गली नंबर, जो भी आपका मेन एड्रेस है, सिटीज वगैरह वो डालेंगे, एंड मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर रिव्यूज योर प्रोफाइल वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये सब चीज़ें मेंशन करेंगे एंड आपकी प्रोफाइल फिर कंप्लीट हो जाएंगी। एंड देन आपको यहाँ पे, तो इसके बाद अपनी प्रोफाइल को गाइस रिव्यूज कर सकते हैं। रिव्यूज करने के लिए यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल वगैरह देख सकते हो, या एडिट वगैरह एडिट करनी है वो देख सकते हो, एंड सबमिट योर प्रोफाइल यहाँ पे सबमिट भी कर सकते हो, एंड व्यू प्रोफाइल माई एंड ब्राउज द जॉब, अब देख सकते हैं अपना नाइस वर्क। एंड यहाँ पर आप अपना, अब क्या है कि आप अपने यहाँ पे कंटिन्यू करके अपना जॉब देख सकते हो, आप पूरा डेस्कटॉप है, प्रोफाइल देख सकते हो, मैं प्रोजेक्ट डेस्क पर मैं आपको दिखाएंगा जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वगैरह वो दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्क है आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो एडिटर नीडेड, यहाँ पे बहुत सारी जॉब है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के लेके आ जाऊँगा, जो आपको पूरा इजीली पूरा पूरा परफेक्ट समझा दूंगा कि कैसे मतलब यहाँ पे वर्क ढूंढना है। तो आज के इस वीडियो में मेरा एम यही था कि अपवर्क पे कैसे प्रोफाइल बनाई जाती है। अगर आपने अभी तक अपवर्क पे अपना साइन नहीं किया है, अकाउंट नहीं बनाया है, तो वीडियो को पूरा देख के बना दीजिए, जिससे आपकी पार्ट टाइम जॉब आप कहीं से भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेके आएंगे कि कैसे आप रिलेवेंट जॉब क्लाइंट से लेना है एंड कैसे अर्निंग करना है। तो थैंक यू सो मच गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।